हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेबी हेल्थ गाइड। तो आज की इस बेबी हेल्थ गाइड वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गर्भवती महिला को किस और करवट करके सोना चाहिए, गर्भ अवस्था में आपको किस प्रकार सोना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही बातें बताऊंगी। जाने गर्भवती महिला को किस और करवट करके सोना चाहिए। नींद लेने से दिमाग को सुकून मिलता है और शरीर को भी आराम मिल जाता है। गर्भ अवस्था के दौरान महिला के शरीर में कई प्रकार के परिवर्तन होने लगते हैं, जिसके कारण उसे थकान और उलझन होती है। अगर ऐसे में उसे सही नींद मिल जाए तो शरीर पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा और गर्भ में पल रहे बच्चे का विकास भी सही ढंग से हो पाएगा। सामान्य गर्भ अवस्था में 9 महीने का समय लगता है। इस दौरान पेट का आकार और शरीर की संरचना में परिवर्तन हो जाता है। बढ़ते पेट की वजह से महिलाओं को सोने में दिक्कत होती है। महिलाएं उल्टी होकर नहीं सो सकती हैं और ना ही वो पेट पर जोर देने वाली स्थिति में सो सकती है। गर्भवती महिलाओं द्वारा गलत स्थिति में सोने पर बच्चे की स्थिति बिगड़ सकती है। महिलाओं की योनि का आकार भी इस दौरान बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उलझन और असुविधा होती है। साथ ही स्तन में दूध बनाने के लिए प्रोलैक्टिन सेरम नामक हार्मोन्स स्रावित होने लगता है, जिसकी वजह से स्तनों में भारीपन आ जाता है। ऐसे में महिला के शरीर का सामने वाला हिस्सा काफी असुविधाजनक हो जाता है और इस वजह से नींद भी अच्छे से नहीं आती है। पेट पर जोर देकर सोने से भ्रूण पर जोर पड़ता है और उसके विकास में बाधा आती है। गर्भवती महिला को सीधा सोना चाहिए और यही उनके लिए सबसे अच्छी स्थिति होती है। गर्भ अवस्था के दौरान बढ़े हुए यूट्रस की वजह से आंत पर जोर पड़ता है और महिला को उल्टी आती है। कई बार सांस लेने में दिक्कत भी होती है। कमर में दर्द होना भी स्वाभाविक है। अगर कमर में बहुत दर्द होता है तो हल्का सा तिरछा भी हुआ जा सकता है, लेकिन अगर गलत स्थिति में महिला सो जाए तो एक प्रकार का दबाव शरीर में बन जाता है और वाहिकाओं में रक्त के प्रवाह पर असर पड़ता है और हृदय गति भी बदल जाती है। ऐसे में बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। कमर के बल पूरा जोर लगाकर सोना सही नहीं है। गर्भवती महिला को किसी एक और हल्की करवट से सोना चाहिए। इससे उसे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। चूंकि हमारा हार्ट लेफ्ट साइड होता है, ऐसे में बाएं और करवट लेकर सोना सबसे ज्यादा सही रहता है। इससे पेट पर भी ज्यादा जोर नहीं पड़ता, हार्ट बीट भी सही रहती है और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है। तो आज की इस बेबी हेल्थ गाइड वीडियो में हमने जाना गर्भ अवस्था में महिलाओं को किस और करवट करके सोना चाहिए, जिससे उनके नए शिशु की हेल्थ पर क्या क्या असर पड़ेगा। ऐसी ही और बेबी हेल्थ गाइड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें बेबी हेल्थ गाइड चैनल को। टिल देन टेक केयर ऑफ योर न्यू बॉर्न बेबी। थैंक यू।